हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपी पीसीएस इवन बीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और प्री पढ़ेंगे, प्री और मेंस का भी यूज़, मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट्स का, इस नोट्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें चैप्टर्स की बात करें तो पहले हम पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, देन पेंटिंग्स इन इंडिया, देन स्कल्पचर्स इन इंडिया, इंडियन म्यूजिक, थिएटर्स ऑफ इंडिया, इंडियन डांस फॉर्म्स है, देन सेवेंथ चैप्टर इंडियन पपेट्री, रिलीजन एंड फिलासफी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, प्रोग्रेस ऑफ लिटरेचर इन इंडिया, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, अकाउंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फॉरेन एम्बेसडर्स एंड ट्रेवलर्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को, करंट डेवलपमेंट एंड कुछ हिस्टोरिकल पर्सनस। ठीक है, तो टोटल 17 चैप्टर है जो हम देखना है। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम इंडियन आर्किटेक्चर से, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इंडियन आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आर्किटेक्चर होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। जो ह्यूमन बींग की क्रिएटिविटी होती है उसका क्या है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया में क्या क्या पढ़ेंगे, तो एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे हम हरप्पन आर्ट पढ़ेंगे, हरप्पन के बाद मॉडर्न आर्ट पढ़ेंगे, फिर पोस्ट मॉडर्न, देन गुप्ता एज आर्ट, देन साउथ इंडियन आर्ट। अगर बात करें मिडिविल इंडिया में, तो मिडिविल इंडिया में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल आर्ट, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे हम इंडो गोथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंशियंट इंडिया से। अगर बात करें ऋग वैदिक कल्चर की, तो क्या होता है ऋग वैदिक कल्चर। ऋग वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल, यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स इन वारफेयर। तो वारफेयर में जो कोट ऑफ मेल और हेलमेट्स कहा जाता है, जो लड़ते वक्त पहनते हैं ऊपर में हेलमेट, आपने आप सब देखा होगा फिल्मों में, तो वो ऋग वैदिक आर्यंस यूज किया करते थे कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स इन वारफेयर। ठीक है, ठीक है, तो कोट ऑफ मेल जो कवच होता था बना हुआ, और हेलमेट यूज करते थे ऋग वैदिक आर्यंस। दे वर्शिप्ड, अगर ऋग वैदिक की बात करें, दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेज, तो वो नेचुरल फोर्सेज की पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर। ठीक है, बाई पर्सनिफाइंग देम इंटू मेनी गॉड्स, तो अलग अलग जो नेचुरल फोर्सेस थे इनको अलग अलग गॉड का दर्जा दिया गया और इनको ये पूजा करते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड अगर बात करें इंद्र ऋग वैदिक कल्चर में, तो ये थे इंद्र, थंडर गॉड। ठीक है, दूसरे गॉड्स थे पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, वरुण, रेन एंड वायु, विंड। ठीक है, तो पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु एंड इंद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वेदिक के टाइम में। देर वेर नो रिचुअल्स फॉर टेम्पल्स एंड आइडल वर्शिप, तो याद रखिएगा टेम्पल्स और आइडल वर्शिप के लिए कोई रिचुअल्स विधि विधान नहीं था उस टाइम ऋग्वेदिक के टाइम में। ऋग्वेदा मेंशंस हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स विथ स्पोक्ड व्हील्स, ऋग्वेदा में क्या है मेंशन है, हॉर्स से चलने वाले रथ विथ स्पोक्ड व्हील्स, जिसके व्हील क्या होंगे, स्पोक्ड होंगे। फिर आते हैं हरप्पन कल्चर में, अगर देखें तो यूज स्टोन्स, लाइक यहाँ पे स्टोन यूज़ किया गया, जैसे कि कार्नेलियन स्टोन, एक तरह का स्टोन होता है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। तो कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट यूज़ किया गया। मेटल्स यूज़ किया गया लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड, एंड सेल, फाइंस एंड टेराकोटा और बर्न क्ले। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरह के मेटल्स जो यूज़ किया गया हरप्पन कल्चर में। टॉयज डिपिक्ट इक्का, इक्का का मतलब क्या हो गया, स्मॉल चैरियट हो गया, तो स्मॉल चैरियट का एक टॉयज मिला, तो खिलौना मिला था। ठीक है, राइनोसोरस मंकी डिस्कवर्ड एट वेरियस प्लेसेस, ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे राइनोसोरस और मंकीज के अवशेष भी मिले हैं। डिपिक्ट टॉयज मिले हैं इक्का स्मॉल चैरियट के, राइनोसोरस के और मंकी के। एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस कम फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदड़ो एंड फ्रॉम अ टेराकोटा फिगरीन फ्रॉम लोथल। एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस कहाँ से मिला है, सुपरफिशियल लेवल ऑफ फ्रॉम अ लेवल ऑफ मोहनजोदड़ो एंड फ्रॉम अ टेराकोटा फिगरीन फ्रॉम लोथल। लोथल से एक टेराकोटा का ये मिला है, ठीक है, फिगरीन मिला है। ये था हरप्पन कल्चर की बात। अगर बात करें हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर अगर देखें तो इसका जो टाउन्स होता था हरप्पन कल्चर का, हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वो काफ़ी रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था। ठीक है, रोड्स की बात करें तो नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड कट इच अदर एट राइट एंगल्स, तो कुछ इस तरह से आपका रोड्स होता था। ठीक है, अगर हम बात करें बर्न,
मड ब्रिक्स यूज्ड, जो बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ हुआ था मटेरियल, वो बर्नड मड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। एकदम पब्लिक बाथ था, गेट बाथ कहा गया जिसे, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। इंपॉर्टेंस गिवन टू बोथ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, तो अब एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था तो यहाँ पे पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को बहुत ध्यान दिया गया। ठीक है, स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट था, ऐसे गया राइट टू लेफ्ट, फाउंड ऑन राइट टू लेफ्ट, सॉरी ऐसे इस तरह से राइट टू लेफ्ट, फाउंड ऑन बोन रड्स एंड ज्वेलरी, बोन रड्स पर ज्वेलरी पाया गया। रिफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा, ठीक है, तो इसे हरप्पन से क्या कहा गया, मेलुहा कहा गया। हरप्पन फोर्ट्स की बात करें तो ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन फोर्ट सब कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना फोर्ट कोई है तो वो क्या है, हरप्पन फोर्ट्स। द अपर टाउन था वो फोर्टिफाइड था, वहाँ पे प्रोटेक्शन था, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें थे अपर टाउन्स का। ठीक, इन कालीबंगन एंड सुरकोटदा इवन लोअर टाउन्स वॉज फोर्टिफाइड, लेकिन कालीबंगन और सुरकोटदा एक ऐसा साइट था, हरप्पन साइट था जहाँ पे लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड किया गया था। और चानूदरों पे, एट चानूदरों फोर्टिफिकेशन वॉज एबसेंट कम्प्लीटली, पूरी तरह से एबसेंट था फोर्टिफिकेशन। लोअर पर्सन ऑफ वॉल ऑफ फोर्ट्स, जो लोअर पर्सन ऑफ वॉल ऑफ फोर्ट्स का जो लोअर पर्सन था, बिल्ड यूजिंग स्टोन्स एंड सन ड्राइड ब्रिक, स्टोन से और सन ड्राइड ब्रिक से बनाया गया, कौन सा, वॉल्स का लोअर पोर्शन, फोर्ट का जो वॉल दीवार थे उसके लोअर पोर्शन को बनाया गया स्टोन से और सन ड्राइड ब्रिक से। वह जो अपर पोर्शन ऑफ वॉल्स ऑफ फोर्ट्स था वो बर्नड ब्रिक से बनाए गए थे, तो ये डिफरेंस है। फोर्ट्स प्रोवाइडेड सेफ्टी फ्रॉम फ्लैश फ्लड्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड रॉबर्स, तो फोर्ट्स जो फोर्ट्स थे बनाए गए थे वो सेफ्टी प्रोवाइड करा था किसी से फ्लैश फ्लड ना आ जाए उससे, वाइल्ड एनिमल्स से और रॉबर्स से, ठीक है, डकैत से, वाइल्ड जंगली जानवरों से और फ्लैश फ्लड से, बाढ़ से, जो अचानक से बाढ़ आते थे उससे बचने के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट साइट एंड देयर फाइंडिंग देखें हरप्पा, जैसे कि हरप्पा, हरप्पा कहाँ पे, प्रेजेंट पाकिस्तान में, यहाँ पे क्या मिला है, टू रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज विथ ब्रिक प्लेटफॉर्म, तो दो रो मिला है, एक बड़ा सा ब्रिक प्लेटफॉर्म है और ग्रेनरी रखने के लिए दो रो मिला है जिसमें छः रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज, मतलब एक रोज में बारह सिक्स ग्रेनरीज है तो दो रो में बारह ग्रेनरीज मिला है। एक सिमेट्री मिला है जिसे कहा गया R37H, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, स्टोन सिंबल मिला है ऑफ लिंगम एंड योनि, मदर गॉडेस फिगर मिला है हरप्पा से। वीट एंड बार्ली इन वुडन मोटार, वीट एंड बार्ली मिला है एक वुडन मोटार में। कॉपर स्केल एंड मिरर मिला है। स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है, एक ब्रॉन्ज मेटल पे एक स्कल्पचर मिला है जहाँ पर डॉग जो है डियर को चेज कर रहा है। न्यूड डांसिंग गर्ल ऑफ स्टोन, एक न्यूड डांसिंग गर्ल ऑफ स्टोन मिला है। एंड रेड सैंड स्टोन मेल टॉर्सो, एंड रेड सैंड स्टोन मेल टॉर्सो। एक्सकेवेटर की बात करें तो हरप्पा के एक्सकेवेटर थे दयाराम सहनी 1921 में, 1921 में दयाराम सहनी। उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने खुदाई की और व्हीलर इन 1946, तो दयाराम सहनी 1921 में, फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में व्हीलर। ठीक है, तो ये थी हरप्पा जो कि पाकिस्तान में, इसको इंपॉर्टेंट फीचर्स। फिर है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यहाँ क्या क्या फाइंडिंग्स है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में, फिर ग्रेट ग्रैनरी मिला है, पोस्ट क्रीमेशन बड़ियर मिला है, क्रीमेट करने के बाद उसको बड़ी किया गया यहाँ पे डेड बॉडीज़ को, ये मिला है। स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रिस्ट, तो बियर्ड प्रिस्ट का जो स्कल्पचर मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। और यहाँ इसके एक्सकेवेटर कौन थे, तो आर डी बनर्जी 1922 में आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धोलावीरा इन गुजरात, धोलावीरा इन गुजरात, ये क्या था, फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिस सिटी ऑफ आईबीसी, तो आईबीसी का सबसे फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिस था धोलावीरा ऑफ गुजरात। यहाँ पे क्या था, एक फोर्टिफाइड सिटाडेल, एक मिडिल टाउन था और एक लोअर टाउन था विथ वॉल्स मेड ऑफ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इंस्टेड ऑफ मड ब्रिक्स इन अदर हरप्पन साइट्स। यहाँ पे तीन आपको शहर में तीन डिवीजन देखने को मिला, जो अपर टाउन था उसको फोर्टिफाइड कर दिया गया, एक मिडिल टाउन था, एक लोअर टाउन था, और लोअर टाउन का जो वॉल था ना वो सैंड स्टोन या लाइम स्टोन से बना हुआ था, लेकिन बाकी जगह मड ब्रिक से बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सैंड स्टोन लाइम स्टोन का यूज़ किया गया था धोलावीरा में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे मिला है, जाइंट वाटर रिजर्वायर मिला, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला, स्टेडियम मिला, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट मिला, कहाँ पे, धोलावीरा में। कॉपर स्मेल्टिंग रिमेंस पाया गया,
ये क्या इंडिकेट करता है कि नॉलेज ऑफ मेटलर्जी, इनके पास मेटलर्जी का नॉलेज था धोलावीरा में जो लोग रह रहे थे। आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ कॉपर स्टोन ज्वेलरी ऑफ टेराकोटा गोल्ड एंड आइवरी हैव बीन फाउंड। क्या मिला है? आर्टिफैक्ट्स मिला है कॉपर का, स्टोन, ज्वेलरी ऑफ टेराकोटा एंड गोल्ड एंड आइवरी। ठीक, नो मॉर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन डिस्कवर्ड। तो कोई ह्यूमन का रिमेन्स नहीं डिस्कवर्ड हुआ है धोलावीरा से, अनलाइक ग्रेव एट बाकी जगह पर जैसे कि ग्रेव्स मिले हैं, लेकिन धोलावीरा में से कोई ग्रेव्स, कोई क्रिमेशन नहीं मिला है। अगर हम एक्सकेवेटर की बात करें तो एक्सकेवेटर थे जे पी जोशी साहब, ठीक है, दयाराम सहनी, हरप्पा के मोहनजोदड़ो, कार्डी बनर्जी और धोलावीरा के जे पी जोशी। नेक्स्ट है आपका लोथल गुजरात, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैनचेस्टर किसे कहा गया? ये कहा गया लोथल गुजरात को। ठीक है, डॉकयार्ड, डबल बरियल, राइस हस्क, फायर अल्टर्स, पेंटेड जार, मॉडर्न डे चेस, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्सेस एंड शिप मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कुछ फाइंडिंग्स थी। अगर बात करें एक्सकेवेटर की, तो एक्सकेवेटर थे एस आर राव साहब। फिर एक रोपर पंजाब, रोपर पंजाब, यहाँ पे डॉग बॉडी विथ ह्यूमन ओवल पिट बॉडीलेस। ठीक है, तो इन ओवल पिट बॉडीलेस, तो एक ओवल ओवल शेप का आपका पिट बॉडीलेस मिला जहाँ पे डॉग को बरी किया गया ह्यूमन्स के साथ। ठीक है, बलाथल एंड कालीमंगन, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री मंगल मिला है, टॉय कार्ट्स, बोन्स ऑफ कैमल्स मिले हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स एंड लोअर टाउन भी मिला है। कहाँ पे? बलाथल एंड कालीमंगल में। अगर सुडकोटोदा की बात करें तो गुजरात में है, यहाँ पे फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स, हॉर्स बोन का फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स मिला है। बनवाली में बात करें तो टॉय प्लाव मिला है, बार्ली ग्रेन्स मिला है, बनवाली हरियाणा। और ओवल सेफ सेटलमेंट ठीक था, तो वनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, तो बनवाली हरियाणा में है, ये इकलौता शहर है जो रेडियल स्ट्रीट्स है यहाँ पे। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो इम्प्रेशन ऑफ ए क्लॉथ ऑन अ ट्रफ, ठीक है, एक ट्रफ पे क्लॉथ का इम्प्रेशन देखने को मिला है। कालीबंगन की बात करें की होल स्कल स्ट्रैटेजी, ट्री पेनेशन, एविडेंस फ्रॉम कालीबंगन, बैंगल फैक्ट्री, टॉय कार्ट्स, बोन्स ऑफ कैमल्स, डेकोरेटिव ब्रिक्स एंड लोअर टाउन्स। कोट दीजिए, अर्ली हरप्पन साइट लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सिंध, तो सिंध नदी के एक लेफ्ट बैंक पे सबसे अर्ली हरप्पन साइट था। ए टार इज द मेजर ऑब्जेक्ट फाउंड, यहाँ से क्या मिला? टार मिला है कोट दीजिए से। स्टैचूज ऑफ बुल एंड मदर गॉडेसेस, तो बुल और मदर गॉडेस से क्या मिला? स्टैचू मिला है। अगर बात करें चनोदरों का तो लोकेशन था 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो इन सिंध, सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर साउथ में, एंड इज द वनली हरप्पन सिटी विच डज नॉट हैव फोर्टिफाइड सिटाडेल। इकलौता ऐसा हरप्पन शहर था जहाँ पे कोई फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं था। एविडेंस ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ वेरियस फिगरिंग्स, सील्स, टॉयज, बोन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इट हैज बीन इंटरप्रेटेड दैट इट वॉज अ सेटलमेंट विथ लॉट्स ऑफ आर्टिजन्स, ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कि यहाँ यह वह सेटलमेंट था जहाँ पर लॉट ऑफ आर्टिजन्स थे एंड वॉज एन इंडस्ट्रियल टाउन, और एक इंडस्ट्रियल टाउन थे। ठीक है, देसलपुर, देसलपुर भी क्या है? एक हरप्पन साइट है, ये क्या मैच्योर हरप्पन साइट था, यहाँ पे फोर्टिफाइड टाउनशिप देखने को मिला। द फोर्टिफिकेशन वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन, जो फोर्टिफिकेशन वॉल था ये कंस्ट्रक्ट किया गया ऑफ स्टोन से विथ मड फिलिंग इन साइट, उसके अंदर मड डाल दिया गया। मेनी हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड जस्ट अगेंस्ट द इनर फेस ऑफ द फोर्टिफिकेशन वॉल, तो बहुत सारे हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए गए जस्ट अगेंस्ट द इनर फेस ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे कि राखी करी फाइंड, सेवन माउंट्स डिस्कवर्ड बिटवीन 1997 से 2000, तो सेवन माउंट्स मिले हैं, सिक्स ऑफ देम डेट बैक टू 7500 BC, 7500 BC का है। कॉर्पस ऑफ इंडस सील, इंस्क्राइब्ड लीड ऑफ इग्नॉट फाउंड, ड्रेनेज सिस्टम मिला है। सिग्नेचर इंडस स्क्रिप्ट ऑन सील्स मेड ऑफ सिल्वर, मार्बल एंड टेराकोटा, हाउसेज विद फायर ब्रिक्स बिलोंगिंग टू रिच पीपल, सोकेज, जार्स, टॉय मोटर्स एंड व्हीकल। ठीक है, और ये धोलावीरा, द हरप्पन सिटी इन द रेन ऑफ कच्छ, वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम द थर्ड टू मिड मिलेनियम BC। ठीक है, तो उस टाइम का था। द साइट कंप्राइज ऑफ टू पोर्ट्स, दो पार्ट्स है, एक वर्ल्ड सिटी एंड एक सिमेट्री टू द वेस्ट ऑफ सिटीज। ठीक है, डिस्कवर्ड इन 1968, द सिटी इज सेट टू सेट अपार्ट बाई इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे, मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म है,
आर्टिफैक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड जैसे कि कॉपर सेल स्टोन ज्वेलरी ऑफ सेमी प्रिमिस स्टोन टेराकोटा गोल्ड आइवरी ये सब मिला इस साइट से। एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक बेंच प्रोटो हिस्टोरिक ब्रॉन्ज एज अर्बन सेटलमेंट पर्टेनिंग टू द हरप्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज़ था धोलावीरा का और राखी घरी का। कोट द भडली गुजरात करंट डेवलपमेंट में कुछ है, अर्लीस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंस ऑफ कैटल वाटर बफेलो गोट काउ एंड शीप फाउंड इन दिस एरिया, या इस एरिया में मिलता है आपको डेयरी प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग हो रहा है और कैटल वाटर बफेलो गोट काउ एंड शीप का ये प्रेजेंस मिलता है कोटदा भाडली गुजरात में। दिस कुड हैव गिवन राइज टू एन इंडस्ट्रियल लेवी ऑफ डेयरी एक्सप्लॉयटेशन दिस कुड हैव गिवन राइज टू एन इंडस्ट्रियल लेवी ऑफ डेयरी एक्सप्लॉयटेशन दिस कुड हैव गिवन राइज टू एन इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसने क्या दिया, डेयरी एक्सप्लॉयटेशन का एक इंडस्ट्रियल लेवल तक ले गया। एक है भिराना हरियाणा, भिराना हरियाणा है, हरियाणा में द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड आई बी सी साइट डेटिंग बैक टू 7570 टू 1600 BC। सबसे ओल्डेस्ट जो डिस्कवर्ड आई बी सी साइट है, ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड आई बी सी साइट भिराना हरियाणा। द एंटीक्यूटीज फाउंड हेयर इंक्लूड, यहाँ क्या क्या मिला है, तो पॉटरी मिला है, कॉपर चीजल्स एरो हेड्स स्पीयर हेड्स चेयर ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली फीमेल डांसिंग गर्ल रिप्लिका ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो मल्टी रूम्ड हाउसेज वर फाउंड एट दिस टाउन इस टाउन पे क्या है, मल्टी रूम्ड हाउसेज मिला है विच वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स एंड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेक्ड अर्थ। ठीक है, ये सब मिला है। रिसेंट DNA स्टडी एट राखी घरी की बात करें तो पीपल इन द हरप्पन सिविलाइजेशन हैव एन इंडिपेंडेंट ओरिजन एंड निगेट्स थ्योरी ऑफ हरप्पन हैविंग एंशिएंट ईरानियन फार्मर एंसेस्ट्री। जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये क्या, जो रिसेंट DNA स्टडी हुआ राखी घरी में, इसमें ये पाया गया कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनका एक अपना इंडिपेंडेंट ओरिजन था और एक जो थ्योरी चल रही थी कि हरप्पन जो है एक एंशियंट ईरानियन फार्मर एंसेस्ट्री से आए थे, ये उस थ्योरी को निगेट करता है। रिसर्चर्स फ्रॉम डेक्कन कॉलेज पुणे अलॉन्ग विद सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश दैट ह्यूमन रिमेन्स डिस्कवर्ड एट एन एंशियंट साइट ऑफ राखी घरी। ठीक है, राखी घरी जो कि विलेज है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में 8000 साल के पहले का, यहाँ पे ये डिस्कवरी मिला है कि ये इंडिपेंडेंट ओरिजिन था इनका। ठीक है, IIT खड़गपुर स्टडी है कि डिक्लाइन ऑफ हरप्पा सिटी धोलावीरा वॉज कॉज्ड बाई ड्राइंग अप ऑफ रिवर लाइक सरस्वती रिवर एंड मेघालय ड्राउट। मेघालय में ड्राउट सूखा आ गया, सरस्वती रिवर के सूख जाने के कारण धोलावीरा जैसे शहर क्या होगा, डिक्लाइन होगा। ये IIT खड़गपुर का स्टडी कहता है। यूनियन बजट 2021 में इट प्रपोज टू डेवलप आइकनिक साइट्स विथ ऑन साइट म्यूजियम, आइकनिक साइट्स डेवलप करने की बात कही गई विथ ऑन साइट म्यूजियम्स एट हरप्पन साइट्स ऑफ राखी घरी हरियाणा में एंड धोलावीरा गुजरात में प्लस नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा एट लोथल में। इंडिया एंड पुर्तगाल विल कॉपरेट इन द सेटिंग अप ऑफ द म्यूजियम इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ASI स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो पुर्तगाल हेल्प करेगा इसमें इंडिया को। अब देखते हैं ये हरप्पन था, अब देखेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब देखेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।